नाजरीन, आज जिस वाक़े के मुतालिक मैं बात करने जा रही हूँ, हमारे मुल्क में लॉज भी मौजूद हैं, तो यकीनन बहुत सारे लॉज जो हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिन पे प्रेसिडेंट्स भी हुई हैं। प्रेसिडेंट्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि सज़ाएं हुई हैं, वो मिसाल बनकर भी सामने आए हैं, लेकिन इन द एंड क्या होता है कि इस तरह के वाक़ात फिर रूनुमा हो जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ गैरत के नाम पर कत्ल की, यानी कि ऑनर किलिंग की। और जिस वाक़े का मैं जिक्र करने जा रही हूँ, ये गोजरा में पेश आया, जहाँ पर एक शख्स जो कि एक लड़की के घर रिश्ता भेजता है और उसकी लव प्लस अरेंज मैरिज होती है, और उस लड़की के कज़न जो कि उस शख्स के साथ एक फैक्ट्री में नौकरी भी करते हैं, और उनको उस घर से रिश्ता नहीं मिलता, और वो तैश में आकर गैरत के नाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, ये कार्ड खेलते हुए, वो अपनी उस कज़न के शौहर को, जिसकी शादी 20 दिन पहले उस लड़की के साथ हुई होती है, उसको कुल्हाड़ियों के वार कर करके बेदर्दी से कत्ल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जिसे रब रखे उसे कौन चखे। वो शख्स इस वक्त वेंटिलेटर पे मौजूद है, आईसीयू में है, पल पल जिंदगी और मौत के दरमियान की जंग लड़ रहा है। लेकिन जब मुलजिमान को पुलिस अरेस्ट करती है, तो वो बड़ा साफ सा जवाब देते हैं कि जी हमने गैरत के नाम पर कत्ल किया, वो हमारी कज़न थी, ये हमारा फैक्ट्री में हमारे साथ दोस्त था, इसको रिश्ता दे दिया, इसने लव मैरिज की, हमारी गैरत का तकाजा था कि हमारी वो बहन थी सो कॉल्ड, और इन्होंने गैरत के नाम पर उसको कत्ल कर दिया। सवाल, कत्ल करने की कोशिश की, कत्ल किया नहीं अभी, इकदाम कत्ल की इन पे चूँकि दफात हैं, क्योंकि अभी उसकी सांसें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो शख्स अपनी सांसों की डोरी तोड़ता है तो कि कत्ल हो जाएगा। सवाल यहाँ पे ये उठता है कि कंदील बलोच का वाकया हर इंसान को पता है, मलाला यूसुफजई का वाकया, हुकूक नस्वा की चूँकि मैं बात कर रही हूँ, हर आम व खास के इल्म में ये वाकयात पूरी दुनिया में पाकिस्तान से रिपोर्ट हुए, ना सिर्फ रिपोर्ट हुए बल्कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने में भी कोई कसर बाकी ना छोड़ी दुश्मनों ने। इन वाकयात को हाइप दी गई, ये वाकयात यहाँ रूनुमा हुए, इन पर सजा और जजा के अमल का दौरानिया भी मुकम्मल हुआ, ट्रायल भी हुए। कंदील बलोच का मुलजिम आज भी कस्टडी में, जिसका ट्रायल चल रहा है। इसके बाद मुख्तारा माई का वाकया हुआ, बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए, वनी और सती के वाकयात हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे हैं जिन पर सजाएं तो हों, लेकिन कमी कहाँ आ जाती। ये गैरत का कार्ड सिर्फ बरे सगैर पाक व हिंद की इस धरती पर क्यों खेला जाता है? गैरत के नाम पर आज तक यूरोप में किसी लड़की को कत्ल नहीं किया गया, वहाँ भी मुस्लिम्स हैं। गैरत के नाम पर आज तक अमेरिका में किसी लड़की को कत्ल नहीं किया गया, वहाँ भी मुस्लिम कम्यूनिटीज़ हैं। गैरत के नाम पर आज तक किसी और यूएई या किसी और कंट्री में हमने नहीं सुना, शायद अगर कुछ हुआ भी होगा तो उसको हाइप नहीं दी गई या सज़ा मुलजिम को फौरी दे दी गई, ताकि कोई और उसको देखकर उससे कोई और जुर्म करना ना सीख सके। लेकिन हमारे इस बरसग़ीर पाक व हिंद की जो धरती है, हमारे वतन को जंगल बनाने की कोशिश क्यों की जाती है? ये गैरत का कार्ड क्यों खेला जाता है? मैं सख्त खिलाफ हूँ उस नारे के, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्योंकि नारे के अल्फाज गलत हैं, उसके पीछे मकासद कुछ गलत लोगों ने गलत निकाले, कुछ ख्वातीन जो बापरदा थी उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया, लेकिन चूंकि मैं खुद इसलिए खिलाफ हूँ कि जिस नारे से बहन बेटी के दिल में इश्तियाल आए, जिस लफ्ज से हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा पैदा हो, ऐसे अल्फाज या ऐसे जुमले बोलने ही नहीं चाहिए। तो एक तरफ तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी की तहरीक और कैंपेन आ जाती है, तो दूसरी तरफ गैरत के नाम पर कत्ल का ये एलिमेंट रूनुमा हो जाता है। कौन लोग हैं जिसको फरोग देते हैं? अगर गैरत के नाम पर कत्ल, यकीनन बहनें बेटियां सबके घरों में होंगी, इसको हम रोकना चाहते हैं तो सिर्फ कानून ही इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकता, सिर्फ कवानीन ही इसकी रोकथाम नहीं कर सकते, सिर्फ हम सहाफ़ी बिरादरी ही अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी हर शख्स हर फर्द वाहिद को पूरी कर रही है। मैं फर्द वाहिद इसलिए कह रही हूँ कि जब एक लड़का किसी घर में पैदा होता है, तो उसका ब्रॉटअप उस घर में जिस तरह से होगा, वो कल को उसी नफ्सियात को लेके चलेगा। पहली उसकी दरसगाह माँ की गोद होती है, जब पहले दिन से उसे घर में मौजूद बहनों और भाइयों का फर्क समझाया जाएगा, जब उसे भाई को साफ पोने में रोटी लपेट कर ट्रे में सजा के दी जाएगी और बहनों को बचा कुचा सालन दिया जाएगा, तो उसके दिमाग में एक वाज़े डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगी।
जबकि बेटे और बेटी का फ़र्क को ना दीन इस तरह से बताता है, ना ही माशर्ती तौर पर इस तरह से देखा जाता है, और ना ही मेरे ख्याल है दुनिया का कोई मज़हब भी इतनी बड़ी इसमें डिफरेंस पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे दीन इस्लाम ने तो औरत को इज्जत दी, औरत के हकूक को सबसे पहले मुतारिफ करवाया। तो इसीलिए जब घर से ही इनफरादी तौर पर उसकी तरबियत लड़के की जाएगी कि तुम मर्द हो, तुमने बड़े होकर ये करना है, तुम्हारी बहन को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तुम्हारी बेटी को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, उसे अपना हक जो कि दीन ने भी उसको दिया कि अगर लड़की बालिग है उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी ना की जाए, वली उससे उसकी मर्ज़ी पूछ सकता है, तो जब इस बात को लड़के को समझाए बगैर उसको ये बताया जाएगा कि तुम्हारी गैरत का तकाजा है, तो अल्टीमेटली ऐसे ही केसेस रिपोर्ट होंगे जिसमें कोई गैरत के नाम से बेटी मार देगा, कोई बहन मार देगा, कोई गैरत के नाम पर शुबे में अपनी बीवी को कत्ल कर देगा। खुदारा खुदारा, गैरत के नाम के मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस केस में गैरत का एलिमेंट कहीं से भी मुझे नज़र नहीं, क्योंकि जिन्होंने उस लड़के को मारने की कोशिश की वो निकाह कर चुका था उस लड़की से, यानी कि शरई तौर पर, कानूनी तौर पर, माशर्ती तौर पर वो अब उसका महरम था, और जिन्होंने कुल्हाड़ियों के वार किए वो कज़न्स थे, यानी कि वो कानूनी तौर पर, शरई तौर पर, माशर्ती तौर पर गैर महरम थे। तो गैरत का कार्ड खेलकर खुदारा खुदारा रिश्तों को बर्बाद मत कीजिए। और जिन घरों में ये डिफरेंस सिखाया जाता है कि गैरत के नाम पर तुम्हें इख्तियार है अपनी बेटी को मार देने का, बहन को मार देने का, तो जो इख्तियार रब औरत को देता है वो छीनने वाला इंसान कौन होता है? अगर औरत उसका सही इस्तेमाल कर रही है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रही, तो उसे इजाज़त है कि वो अपना हक इस्तेमाल कर सकती है, वो अपनी मर्ज़ी का रिश्ता या कोई चीज़ घर में बता सकती है। इस पर उसको कत्ल कर देना, उसे ज़िंदा दरगोर कर देना, हम में और ज़माना जहलियत के उन काफिरों में क्या फ़र्क रह जाए, ये सोचने की बात। आज का मेरा मैसेज यही है कि गैरत जायज़ ज़रूर जगेगा, लेकिन नाजायज़ तरीक़ों से कत्लेआम करना रब भी उसे पसंद नहीं करता। थैंक यू सो मच।